कैसे हैं आप दोनों सुंदर कलाकार मेघाश्री और राहुल शर्मा जी? बस बहुत अच्छे हैं हम दोनों, और एकदम ही आपको दिख रहा होता चकाचक लग रहे हैं दोनों, बहुत अच्छे हैं। हम दोनों कैसे दिख रहे हैं आप ही लोग कमेंट करके बताएं। हाँ, कमेंट में जरूर बताएं। वाह वाह वाह। मेघा, ये मीडिया इंटरव्यूज है, मुझे ये बताइए कि किस फिल्म के लिए शूट हो रहा है? अभी हम मांग बरो सजना मूवी का शूट हो रहा है। राहुल शर्मा जी हीरो हैं एंड आई एम द हीरोइन। राकेश त्रिपाठी सर इज द डायरेक्टर एंड प्रदीप शर्मा सर इज द प्रोड्यूसर ऑफ दिस फिल्म। वी आर शूटिंग इन लखनऊ। ओके, राहुल भाई क्या किरदार है इसमें राहुल शर्मा का? मेरा ज्यादा कुछ मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि फिल्म बहुत ही एक यूनिक फिल्म है, और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एक बहुत ही फ्रेश कॉन्सेप्ट है और एक बहुत ही नई तरीके की अनोखी लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। सोसाइटी के लिए एक इट्स अ मैसेज। सोसाइटी के लिए इट्स अ मैसेज है और एक बहुत ही पारिवारिक फिल्म है और एक मैसेज वाली फिल्म है। अच्छा, मेघा आप कुछ बताना चाहती हो आपके किरदार के बारे में? मैं इस फिल्म में एक रिच घर की लड़की, यू नो कैसी होती है, ऐसे एक कैरेक्टर में प्ले कर रही हूँ। एंड सिर्फ इससे ही नहीं, इस यू नो कैरेक्टर में बहुत सारे शेड्स है, अभी तो मैं रिवील नहीं कर सकती हूँ, टीम से एक ऑर्डर है, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को पता चल जाएगा। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक सोसाइटी के लिए इस मूवी में एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। हमने देखा कि आप लोग गाने शूट कर रहे थे, गानों की जो शूट है उसके बारे में कौन बताएगा मेरे को? राहुल आप बताओ। गाना हम शूट कर रहे थे आज लखनऊ में, और बहुत ही प्यारा लोकेशन था, मंदिर में हम शूट कर रहे थे। ये गाना बेसिकली जो इसमें जो हीरो है जो कि मैं हूँ, तो वो हीरोइन को मोटिवेट कर रहा है लाइफ के बारे में कि जिंदगी में चीजें होती हैं तो उसको हमको स्ट्रांगली हैंडल करना चाहिए और किस तरीके से डील करना चाहिए। तो बेसिकली मोटिवेशनल गाना है जो लड़का लड़की को मोटिवेट करना है। वाओ, आप मेरा मोटिवेट हुए? मैं हाँ थोड़ा बहुत मोटिवेट हुई मैं। यस। अच्छा, मेघा आप वहाँ से काफी दूर से आए यहाँ पे लखनऊ शूट करने के लिए, सेट का माहौल आपको कैसा लग रहा है? सेट का माहौल इट्स वेरी फ्रेंडली, सब लोग यू नो बहुत ही अच्छे ट्रीट कर रहे हैं, दे आर टेकिंग वेरी गुड केयर ऑफ मी। मुझे ना ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं अपने घर से बाहर हूँ। लेट इट बी द डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या तो प्रोडक्शन मैनेजर या तो टेक्नीशियन, सब लोग मेरे साथ उन्होंने एक बहुत ही अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं एंड दे आर टेकिंग केयर ऑफ वेरी गुड केयर ऑफ मी। लेकिन सिर्फ वही धूप, पता नहीं धूप कब यहाँ पर खत्म होता है, धूप बहुत है यहाँ। गर्मी गर्मी गर्मी, इट्स टू हॉट, टू हॉट, मतलब बहुत हॉट, क्योंकि आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड यू नो आप लोगों को पता है बैंगलोर इज द नोन फॉर इट्स कूल प्लेस, दिस इज लाइक डेड ऑपोजिट। राहुल शर्मा को भी गर्मी में शूट करने में दिक्कतें तो हो रही होंगे? गर्मी से हाँ मेरे को हो रही है, बट ठीक है, मजा आता है करने में क्योंकि जो उसका प्रोडक्ट निकलता है वो बहुत अच्छा लगता है। बट आपको तो अनुभव हो गया होगा, डार्लिंग भी ऐसे ही सीजन में शूट हो रही थी। बिहार से है तो ऐसे भी अनुभव है बहुत सारी चीजों का, गर्मियों का तो है ही अनुभव, लेकिन वही गर्मी फिर भी लगती है तो फिर लगती है, क्या कर सकते हैं। राहुल भाई, मेघाश्री के बारे में आप क्या जानते हैं इससे पहले? क्या आपने इनकी कोई फिल्म देखी है? आपको पता है कि भाई मेघाश्री कैसी आर्टिस्ट हैं? कुछ आपने होमवर्क किया इनके बारे में? मैंने होमवर्क नहीं किया, बट इतना मुझे मैं इनको जानता जरूर था कि मेघाश्री नाम की हमारी फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही चुलबुले नेचर है इनका, और ये काफी ज्यादा अच्छी है। प्लस इनके काम के मैंने कुछ टीजर्स देखे हैं और जिस तरीके की ये पोस्ट करते हैं अपने प्रोफाइल पे, बहुत अच्छा है। एंड ये बहुत ही हार्ड वर्किंग, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही बहुत बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस है जो मैंने अभी तक देखा नहीं है, सच में नहीं देखा। ये बहुत हार्ड वर्किंग है। अच्छा, मेघाश्री वैसे हार्ड वर्किंग है, मेघाश्री खुद के बारे में क्या कहती है कि कैसे ये सब कुछ अचीव हुआ? देखिए आई थिंक अभी मतलब मुझे यू नो थोड़ा सा भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी मुझे इट्स इजी लाइक आई कैन मैनेज, लेकिन जब मैं स्टार्टिंग जब मैंने अपनी 2-3 मूवीज मैंने शूटिंग किया उस समय मुझे बहुत ही मुश्किल हो रहा था। लेकिन क्या है ना, आपको ही पता है अभी एटलीस्ट मैं थोड़ा बहुत एटलीस्ट हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन मेरे स्टार्टिंग स्टेज में मुझे भोजपुरी तो छोड़िए हिंदी भी मुझे ठीक से नहीं आती थी। सो मैं यू नो आई यूज टू वर्क सो हार्ड शूटिंग के बाद, यू नो कल का क्या है सीन उसको यू नो प्रैक्टिस करो, अच्छा ये है भोजपुरी, दिस इज यू नो पानी बा, ये सब कुछ हमको यूज करना चाहिए, सब मेरे अपनी स्टार्टिंग स्टेज में मैंने बहुत हार्ड वर्क किया। अभी कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, अभी तो भोजपुरी में कमाल का बोलते हैं, मैं सीन कर रहा हूँ कमाल का बोलते हैं। तो भोजपुरी का मेघाश्री का एक छोटा सा टेस्ट लिया जाए, राहुल भाई कुछ बुलवाइए इनसे भोजपुरी में, कुछ टास्क दीजिए। अभी रोवा हमरा से भोजपुरी में बोलिए, व्हाट वाज दैट? ठीक है ठीक है, ओके ओके, आपको भोजपुरी में बताना है राहुल शर्मा को जो आपने 2-3 दिन में ऑब्जर्व किया, 3 बेस्ट क्वालिटीज बतानी है। ओके, इन भोजपुरी। हाँ, इन भोजपुरी। ओके ओके,
पहला हम रवा लोग से सॉरी बोला था नहीं, क्योंकि अगर हम भोजपुरी में थोड़ा बहुत गलत बोल दिया था. फर्स्ट क्वालिटी राहुल शर्मा जी के अंदर बहुत इंटरेस्ट बा काम के, इंटरेस्ट बा. फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, राहुल शर्मा जी ज्यादा गमंडिटा नहीं है, खूब हैंडसम बानी. कोई गमंडिटा नहीं है, इज वेरी गुड हम्बल एंड या हैंडसम. थर्ड क्वालिटी इज, थर्ड क्वालिटी क्या बोलूं मैं, क्यूट है, बहुत अच्छा है. अरे ये मैंने बोल दिया ना, हैंडसम बोल दिया ना, ओके बोल, हैंडसम में सब कुछ आता है. थर्ड क्वालिटी इज एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन बीइंग या नॉट ओनली. अरे ये भोजपुरी है, आप क्या मुझे इंग्लिश में. ओके, तो ह्यूमन बीइंग को क्या बोलेंगे भोजपुरी में, इंसान. इंसान, अच्छा ओके, कैसे इंसान, लेकिन वो हिंदी है ना. नहीं तो इंसान, मनुष्य, 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 मनुष्य. राहुल जी इंसान बहुत ठीक बा. अरे वाह, ठीक बा. हाँ, राहुल भाई, राहुल भाई आप कुछ इनके लिए कहना चाहते हैं मेघा जी के बारे में. मेघा जी बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है और बहुत मेहनती है, बहुत अच्छी कमाल की एक्ट्रेस है, बहुत अच्छा शॉट देती हैं ये, एंड बहुत ही मतलब इनका वाइब और बहुत अच्छा है, इनके साथ आप रहो तो बहुत अच्छा लगता है. मेघा, आपने तो कई लोगों के साथ काम किया है, बड़े स्टार्स के साथ बैक टू बैक आपने खेसारी लाल यादव के साथ भी फिल्में की हैं. मेघाश्री की, मेघाश्री को क्या लगता है उनकी जोड़ी जो है वो ऑडियंस को सबसे ज्यादा किसके साथ अच्छी लगी है अभी तक? तो आई थिंक ऑब्वियसली, क्योंकि जब भी मैं कोई भी फोटो वीडियो यू नो नॉट ओनली इन द सोशल मीडिया, जब भी यू नो यूट्यूब में मेरा कोई भी यू नो वीडियो आता है तो वहां पर होता है कि मैम आप खेसारी जी के साथ बहुत ही बेस्ट जोड़ी, अच्छा जोड़ी, तो ऐसे ही आता है. आई थिंक टिल नाउ मेरा जो ज्यादा मूवी सर के साथ ही मेरा रिलीज हुआ है, लेट इट बी बोल रहा था बोल फरिश्ता या रोडी इंस्पेक्टर. सो आई थिंक टिल नाउ सर के साथ आई फील कि जोड़ी अच्छा है. ओके, जो न्यू एक्टर्स हैं, जो नए लोग आए हैं इंडस्ट्री में, क्या उनके साथ भी काम करने में उसी तरह से मेघाश्री कंफर्टेबल होती हैं? या आई एम वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि क्या है ना, वॉट आई थिंक इज हम जैसे रहते हैं बाकी लोग हम यू नो विथ अस देल बी लाइक दैट ओनली, इफ वी आर गुड एंड हैप्पी वो लोग भी यू नो देल बी विथ अस इन ए गुड नेचर बिहेवियर, कुछ भी हो. सो मतलब अभी तक मैंने जो भी लोगों के साथ मैंने काम किया हो, लेट इट बी स्टार्स या न्यू कमर, ऑल आर वेरी गुड विथ मी. मेघा, आपने किसके किसके साथ फिल्में की हैं? अभी तक मैंने खेसारी जी के साथ, दिनेश जी के साथ, कल्लू जी के साथ एंड अभी राहुल शर्मा. ओके, तो आपके चौथे हीरो जो है वो राहुल शर्मा है. चौथा मतलब क्या? अच्छा, खेसारी भाई, दिनेश भाई, निरहुआ, कल्लू तीसरा, और राहुल फोर्थ. ओके, फोर्थ, ओके, चार चार, फोर्थ 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 हीरो है राहुल शर्मा. राहुल भाई, जब मेघा जी के बारे में आप सेट पे शॉट देते हो, कभी आपको लगता है कि आप एक ऐसी लड़की के साथ काम कर रहे हो जो कि भोजपुरी से, जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिसकी फैमिली से कोई शायद ही बिहार कभी गया रहा होगा, जिसे वहां की लैंग्वेज नहीं आती थी, हालांकि अब सीख रही है, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा मुझे. वैसे तो मैंने कहा आपको अभी जस्ट कि इनके साथ मुझे सीन देते वक्त लगता ही नहीं है कि इनको भोजपुरी नहीं आती है, बहुत कमाल का भोजपुरी बोलती हैं जब शॉट देती हैं. कल हमने सीन किया था, बहुत अच्छा सीन हुआ था बहुत, तो मुझे ऐसा इनकी तरह वाइब ही नहीं आता है कि ये साउथ से आई हैं, ऐसा मुझे लगता है अपने बिहार की हैं, ये भी बिहार की हैं. ओके, मेघा, हमारे यहाँ पे एक्ट्रेसेस बहुत सारी जो हैं वो गाना भी गाती हैं. लेट मी चेक कि कितनी अच्छी सिंगर है मेघाश्री. I'm a very bad singer. सब लोग ना मेरे सिंगिंग के बारे में मजाक उड़ाते हैं. नहीं, बट मैंने सुना गाड़ी में बहुत अच्छा गाती है. हाँ, साथ में तो गुनगुना रही थी तो मैंने सुना बहुत. मेघा, एक बार हो जाए थोड़ा सा. हम आपका फेवरेट गाना बनी बनी, मैं तो प्रेम भी बनी लेकिन आपको, बट हम भोजपुरी की बात कर रहे हैं ना, भोजपुरी मूवी भी कर रहे हैं तो गाना भी भोजपुरी होना चाहिए बॉस. हाँ ठीक है, मेरा ही है आई थिंक. ज्यादा मुझे भोजपुरी सॉन्ग मतलब मैं सुनती हूँ, लेकिन वर्डिंग्स मुझे ठीक से लिरिक्स आती नहीं है, लेकिन हमारे बोल रहा था बोल का एक सॉन्ग मुझे थोड़ा सा याद है. आई कैन सिंग दैट सॉन्ग. ओके, मैं अभी बोल रही हूँ ऑडियंस को, आई एम अ वेरी बैड सिंगर, डोंट कमेंट ऑन दिस. चलो, बात पायन की पता ना चले. हाँ, बात पायन की पता ना चले.
बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। कोई हिंदी सॉन्ग जो राहुल शर्मा के वो आप डेडिकेट करना चाहती हैं, जो आपको लगे कि भाई इनके लिए बहुत शानदार सुटेबल गाना है, मतलब डेडिकेट करूं मैं, जो भी आपको लगा इनके नेचर को देख के। एक्चुअली ना मुझे ना हिंदी में सिर्फ एक ही सॉन्ग मुझे प्रॉपरली आता है, ओके, आई थिंक अभी इस सिचुएशन में वो परफेक्टली वो। ओह ग्रेट ग्रेट, चलो। कहना ही क्या, ये मैं एक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत के जैसे सिलसिले, अरमान में इस दिल लेके जिनको कभी मैं न जानू, वो हमसे हम उनसे कभी ना मिले, कैसे मिले दिल न जान, अब क्या करे क्या नाम दे, कैसे बोले मैं पुकारू, कहना ही क्या, ये मैं एक अनजान से जो मिले। शानदार, बहुत अच्छा गाती हूँ मेघा, यू आर अ गुड सिंगर एक्चुअली, बहुत शानदार, बहुत शानदार। राहुल भाई मैं सच में बड़ा खुश हूँ कि इतना अच्छा गाती हैं। अब मेघा, खैर एक एक जरूरी सवाल यह है कि आपको बहुत सारी फिल्मों के ऑफर आ रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के साथ आ रहे होंगे, आपने खेसारी भाई के साथ बैक टू बैक फिल्में की, आपने अरविंद अकेला कल्लू के साथ काम किया, दिनेश लाल यादव निरहुआ के साथ काम किया, बट क्या पवन सिंह के साथ भी मेघा श्री कोई फिल्म कर रही है, करने वाली है? अभी तो फिल्म कोई भी लाइंड अप नहीं है। मैं एक्चुअली कभी भी सर से मैंने यू नो फेस टू फेस मुझे मिलने का मौका नहीं मिली, लेकिन रिसेंटली आई वेंट फॉर लंदन, सो यू नो उस समय सर भी उनके मूवी के लिए शूटिंग कर रहे थे, तो वहां पर मैंने पवन जी से मिली, ही वॉज वेरी स्वीट, सो डेफिनेटली यू नो इन फ्यूचर डेज में इफ आई गेट ए गुड अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या कोई बातचीत उनसे हुई आपके पवन सिंह के साथ? Yeah, I told hi, sir भी बोले hi, कैसे हैं आप, तो ऐसे एक normal बातचीत चली बस। Okay, मेघा जब फिल्म आप करते हो तो कई सारी फिल्मों का ऑडियंस इंतजार करती है, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि भाई आपकी आने वाले टाइम में और कौन कौन सी फिल्में जो आ रही हैं? जी अभी नेक्स्ट आपको सबको पता है संघर्ष 2 द मोस्ट अवेटेड ऑफ माय करियर, क्योंकि जैसे यू नो ऑडियंस वेट कर रहे हैं वैसे भी मैं भी वेट कर रही हूँ। संघर्ष 2 है, उसके बाद लाडला 2 है, आफ्टर दैट गोवर्धन है विद दिनेश जी के साथ, मंजू ठाकुर सर इज द डायरेक्टर, एंड उसके बाद मेरे जीवन साथी, एंड देन हाँ यही प्यार है, एंड देन वी हैव दिस मूवी मांग भरोसा सजना, इसके बाद भी नेक्स्ट एक फिल्म आफ्टर दिस आई एम गोइंग फॉर दैट शूट। वाह शानदार, काफी फिल्में हैं जो कि मेघा श्री की बैक टू बैक आने वाली हैं, इतने कम समय में इतनी शानदार कामयाबी, क्या बात है राहुल भाई। बहुत अपने आप में एक बहुत ही पॉजिटिव वाली बात है और इंस्पिरेशन वाली बात है कि न्यू कमर होने के बावजूद इतना अच्छा काम कर रही हैं और इन लोगों का काम पसंद भी आ रहा है, तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए, आप दोनों लोगों का, दोनों कलाकारों का दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया और थैंक यू सो मच मेघा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।